हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिएगा, तुल्यांकी भार प्रश्न है हमारा। तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करें, इसके लिए हम विशेष रूप से क्या देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई क्षारकता है तो उस अम्ल है, उसके लिए क्षारकता ज्ञात करते हैं, और अगर कोई क्षार है तो उसके लिए अम्लीयता, और कैटायन के लिए हम क्या करते हैं, मतलब एसिड के लिए आप ऐसे समझेंगे एसिडिटी, बेसिसिटी, एसिसिटी, बेसिसिटी, अब इसके लिए क्या हो जाएगा। और अगर साल्ट है, साल्ट के लिए क्या देखेंगे, साल्ट के लिए हम क्या देखेंगे, कैटायन की संख्या, कैटायन कितने कैटायन होंगे। प्रश्न हमारा यही है, इसका फार्मूला लिख दे रहे हैं। ई डब्ल्यू मतलब इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास लिखिए, मॉलिक्यूलर वेट लिखिए, मास या मॉलिक्यूलर, इसी को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया आपका, बटा यक्स, यक्स क्या है, इसकी संख्या जितनी आएगी। जैसे मान लीजिएगा H2SO4 के लिए हम देखेंगे, H2SO4 का हम देख रहे हैं, तो H2SO4 में हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, और ये कितनी बार है, दो। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32, ये कितनी बार है, एक बार, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ये कितनी बार है, चार बार। इक्वल टू ए कितना आ जाएगा, दो। इक्वल टू ए कितना हो जाएगा, 32। ए इक्वल टू ए कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 64। अब ये टोटल को सम कर लीजिए, आपका आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। यानी कि इसका मॉलिकुलर मास यानी कि मॉलिकुलर वेट कितना है, 98। और बटा इसमें देखिएगा हाइड्रोजन कितना प्लस देगा, 2 प्लस, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 प्लस है, इसका 2 प्लस, यही इसकी बेसिसिटी हो जाएगी और ये इतना हो जाएगा 49। जैसे और प्रश्न कर रहे हैं, आपको आसानी होगा समझने में। देखिएगा, जैसे और प्रश्न में हम ये कर रहे हैं, किसी का भी निकालेंगे। मान लीजिएगा हम यहाँ सोडियम कार्बोनेट के लिए देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम 2 हो जाएगा, तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23, कितनी बार है, एक बार, दो बार है, सोडियम दो बार है। और यहाँ पे कार्बोनेट कार्बन का कितना हो जाएगा, 12, कितनी बार है, एक बार है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का होता है 16, ये कितनी बार है, तीन बार है, देख रहे हैं। तो इस हिसाब से के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, सॉरी 4 हो जाएगा। देखिएगा ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8, 36 18 और ये 3, क्या 3, 18 एक 19, 9, सॉरी एक बचा रहेगा, ये 48 हो जाएगा, सॉरी। देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 8, 6 और ये हो जाएगा 4, 4 8 एक 9 एक 10, तो 10, ठीक। अब इसका रख देंगे भार, ये हमारा भार आ गया। अब ये जब भार आया 100, कितना आया, 106 रख दिए। अब इसके लिए कैटायनों की संख्या कितनी है, सोडियम के पास कितने हैं, एक सोडियम ये है, एक सोडियम ये है, दोनों का प्लस प्लस है, तो ये 2 हो गया, समझ रहे हैं, इसका 53 आया ऐसे। अब दूसरे का देखेंगे, देखिएगा दूसरे के लिए क्या कर लिए, दूसरे के लिए क्या करेंगे। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास सोडियम सोडियम क्लोराइड आया, ये भी एक साल्ट ही है, तो इसके लिए क्या देखेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का 23 होता है सीधे रखेंगे 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल इसका भार अणुभार हो जाएगा। परमाणुओं के मिलने से परमाणु भार के मिलने से अणुभार बनता है, जैसे परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं, वैसे परमाणु भार मिलने से अणुभार बनता है, तो ये टोटल हो जाएगा 58.5। अभी 58.5 बटा एक, एक क्यों, क्योंकि सोडियम यहाँ पे एक ही है, तो एक प्लस आयन कैटायन, इस साल्ट में कैटायन देखते हैं तो एक ही कैटायन होगा, तो इस हिसाब से ये
58.5 ये प्रश्न आया। दूसरे का देखते हैं, और भी बहुत सारे देखते हैं, जितना भी आप करेंगे सभी का इसी प्रकार होगा, जितना देगा प्लस आयन माइनस सॉरी माइनस नहीं प्लस आयन, माइनस आयन किसके लिए, इसके लिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए देख रहे हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है तो ए माइनस इसका देखेंगे, इसकी संख्या देखेंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर देखें तो OH का देखेंगे 2, अभी बता रहे हैं आपको, देखिएगा इसका आ जाएगा। जैसे सोडियम के लिए देखना है 23, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 23 कितनी बार, एक बार, फिर उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 16, 16 कितनी बार, एक बार, और ए हाइड्रोजन एक एक ही बार, तो ए कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन है और पूरी मात्रा मिला के आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 9 1 10 0, और ए हो जाएगा 4 3 4, ये 40 हो गया। 40 बटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आयन, ए ओ एच माइनस आयन कितना है, एक बार है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 40, इसका इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार 40 होगा। देखिएगा आगे, देखिएगा जैसे मान लीजिएगा कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए दिख रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का कितना होता है 40 एवं, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, कितनी बार है, ऑक्सीजन क्या है 2 बार है, 16 दुना 32, ए हो जाएगा 32, और ए हो जाएगा हाइड्रोजन 2 बार, 32 40 ए हो गया 4, और ये कितना हो गया 7, ये 7 हो गया, अब ये कितना हो जाएगा, अब इसके लिए ये 2 हो गया तो कितना हो जाएगा ए 4 2 भागे 2, ये कितना हो जाएगा 3, 3 दुना 6 मतलब 2 3 6, और इसके लिए 14 है तो ए 1 बचा 14, और 2 कितना 7 37, समझ रहे हैं, इसका आएगा 37 इक्विवेलेंट वेट। ऐसे ही सबका निकालेंगे, ऐसे ही। अभी एक प्रश्न है जो इस ऑप्शन में आता है, अलग अलग वो प्रदर्शित करता है, उसके लिए हम देखेंगे किसका, जैसे H3PO4 के लिए, H3PO3 के लिए, और H3PO2 के लिए, इनका क्या क्या आता है, अलग अलग आता है, इसके लिए हम देखेंगे स्ट्रक्चर से। फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन जोड़ लीजिए, 4 ऑक्सीजन जोड़ लिए फास्फोरस की, पेंटा देख रहे हैं 1 2 3 4 5 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन, ये सभी हाइड्रोजन निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, और ये सभी कितने हो जाएंगे, ए प्लस प्लस, इस स्थिति में माइनस होंगे, ए माइनस ए माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 3, ये 3 होगा प्लस। अब इसके लिए क्या देखेंगे, इसके लिए देखिएगा आगे, इसके लिए हम क्या देखते हैं, इस स्ट्रक्चर के दूसरे नंबर स्ट्रक्चर के लिए फास्फोरस, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे सीधे अटैच है, तो सिर्फ यही हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो इसके लिए यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद इसका भार निकालेंगे, फिर इसके 2 से भाग देंगे, इसका इसका 2 से, इसका 3 से भाग देते हैं, इसका 2 से भाग देते हैं, इसका देखिएगा 1 आएगा, कैसे देखते हैं, फास्फोरस 2 मतलब ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा, यहाँ ऑक्सीजन, एक एच जुड़ा, समझ रहे हैं, और एक एच डायरेक्ट जुड़ेगा, एक एच डायरेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही है। देखिएगा यहाँ पे ए बॉन्ड नहीं टूटेगा, यही बॉन्ड टूटता है, इसलिए ए प्लस 1, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का प्लस 1। ऐसे ही हम तुल्यांकी भार निकालेंगे, तुल्यांकी भार निकालने की ट्रिक आपके सामने हम दे दिए हैं, और एक ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 से 40 सेकंड में तुल्यांकी भार आराम से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये विधि है। यहाँ पे आप वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।